15 अक्टूबर को मोटे अनाज श्री अन्न मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने बताया, मोटे अनाज का सेवन करने से अनेक गंभीर रोगों से बचा जा सकता है। जिलाधिकारी ने मिलेट्स बैनर पोस्टर प्रदर्शनी का शुभारंभ किया, साथ ही श्री अन्न मिलेट्स के गुड़ के बारे में बताकर सेवन करने का आग्रह किया। जैसे ही हमारे पूर्वज मोटे अनाज खाकर निरोग स्वस्थ और मस्त रहते थे, वैसे ही श्री अन्न मिलेट्स खाने से स्वस्थ और मस्त रहा जा सकता है। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल काफिले को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी बीएस लक्ष्मी, पशुपालन विभाग के मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी मौजूद रहे। जिलाध्यक्ष अपना दल यशराम लैटिन बिंद, एफपीओ के डायरेक्टर जनार्दन सिंह, महेंद्र पटेल समस्त किसानों को लेकर उपस्थित रहे। जयपुर से इंडिया 24x7 लाइव टीवी संवाददाता शीतल प्रसाद बिंद की रिपोर्ट। सावा कोदो, इसके खेती को कैसे और भी ज्यादा प्रोत्साहित किया जाए, इसको बढ़ावा दिया जाए, ये प्रयास किया जा रहा है। प्राचीन भारत में मोटे अनाज की खेती का क्षेत्रफल बहुत व्यापक हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ मोटे अनाज की खेती का जो क्षेत्रफल था वो घटता गया। और आज की परिस्थितियों में यदि आप देखें तो मुख्य रूप से किसान धान और गेहूं की फसल ही बोता है। मोटा अनाज यानी श्री अन्न, ये प्राचीन भारत में लोगों की दैनिक आहार का हिस्सा हुआ करता था और बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है। कम पानी में इसकी उपज होती है और शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। लेकिन धीरे धीरे जब खेती का क्षेत्रफल घटता गया तो हमारे आहार की थाली से, हमारे भोजन की थाली से भी श्री अन्न गायब हो गया। तो आज ये समय की जरूरत है कि हम अपने किसान भाइयों को आग्रह करें कि वो मोटे अनाज की खेती को फिर से एक बार धीरे धीरे करके उसके क्षेत्रफल को बढ़ाएं। धान गेहूं इसके अलावा श्री अन्न की भी उपज हो तो एक तरफ इसकी खेती का क्षेत्रफल भी बढ़े, किसानों की आय में वृद्धि भी हो, और जहां खास तौर से जल का संकट है, कम पानी का उपयोग होता है, इसलिए भी इस खेती को हम ऐसे क्षेत्रों में बढ़ावा दें। और साथ ही साथ क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत पोषक होता है, इसलिए जब हम इसकी खेती को बढ़ावा देंगे, मार्केट में ये ज़्यादा उपलब्ध होगा, तो फिर से जो हमारी पुरानी परंपराएं थी कि हम मिलेट्स का सेवन करते थे, बाजरे की रोटी, ज्वार की रोटी, रागी, सावा कोदो, ये सब हम पहले कभी खाते थे। पुरानी नई पीढ़ी तो जानती भी नहीं होगी, लेकिन पुरानी पीढ़ी हमारे दादा परदादा और उससे भी पहले जमाने के लोग ये सब जानते हैं। तो इसको फिर से एक बार नई पीढ़ी को भी एक उनकी आदत में, उनकी थाली में इसको शामिल किया जाए, इसका प्रयास हमें करना है। और इसके लिए ही आज ये पूरा रोड शो, ये जागरूकता रैली निकाली जा रही है। मैं सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। एक बहुत पुनीत मकसद के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि श्री अन्न के माध्यम से केवल फूड सिक्योरिटी ही नहीं है, केवल खाद्य सुरक्षा का ही लक्ष्य प्राप्त नहीं कर रहे, बल्कि जो पोषण की सिक्योरिटी है, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है, उसके लक्ष्य की भी हम पूर्ति कर रहे हैं। तो खाद्य सुरक्षा और पोषण की सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, दोनों के उद्देश्य से हम इस इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स में, पोषक अनाज के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष में, इसकी खेती को बढ़ावा देने के प्रति अपने किसान भाइयों को जागरूक करें और साथ ही साथ आम जनमानस को अपने भोजन की थाली में श्री अन्न को शामिल करने के लिए भी आग्रह करें और स्वयं भी इसे अपने जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। ये संदेश लेकर आज हमको सबके बीच में जाना है। पूरा आप सभी का बहुत अभिनंदन, और मुझे खुशी है कि हमारे जिले में खास तौर से जो पिछले कुछ समय से प्रयास हुए उसके अंतर्गत किसानों ने इस बदलाव को स्वीकार भी किया है और जो श्री अन्न की खेती का जो क्षेत्रफल है वो बढ़ा भी है पिछले कुछ समय में।
और मुझे लगता है कि इस किस्म के जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से ये क्षेत्रफल और भी ज्यादा आगे बढ़ेगा और जो भारत ने एक पहल की है उसका उसको और मजबूती मिलेगी। तो पुनः आप सबका अभिनंदन और कृषि विभाग को बहुत बधाई एक सफल आयोजन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।